26 जनवरी को पूरा देश 74वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी आमंत्रित हैं। कर्तव्य पथ पर शानदार परेड देखने को मिली, जिसमें देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता की झलक थी। जश्न के बीच देश के तमाम बड़े नेताओं ने 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। लेकिन इस बीच पीएम मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहुंचे तो उनका काफिला देखकर सब हैरान रह गए। चमचमाती गाड़ियां और पीएम मोदी की 26 जनवरी पर ऐसी एंट्री देख सब चकित रह गए। उनका स्वागत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे और मोदी का जैसे ही काफिला रुका, उनके सिक्योरिटी गार्ड तुरंत उनकी गाड़ी के पास आकर खड़े हो गए। जब पीएम मोदी गाड़ी से बाहर आए तो पीएम मोदी ने अपने सर पर पीले और भगवा कलर की शानदार पगड़ी बांधी हुई थी। उनका ऐसा रूप देश के जवानों को समर्पित था। आपको बता दें, सबसे पहले पीएम मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने देश के शहीद जवानों को उनके शहादत पर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी राजनाथ सिंह के साथ पैदल ही चलते नजर आए। चारों तरफ मोदी के सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे और राष्ट्रीय समर स्मारक से जाते वक्त पीएम मोदी को उनकी गाड़ी तक छोड़ने खुद राजनाथ सिंह उनके साथ पहुंचे और पूरे प्रोटोकॉल के साथ पीएम मोदी अपनी गाड़ी में बैठकर कर्तव्य पथ पर जाने के लिए निकल गए। आपको बता दें, आज पूरे भारत में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और दिल्ली में झांकियां और परेड देखने के लिए तमाम लोग सुबह से ही पहुंच चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी उनके साथ कर्तव्य पथ जाने के लिए रवाना हुए। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से उनका जोरदार स्वागत हुआ और राष्ट्रपति भवन के बाहर दोनों नेताओं को शानदार सलामी भी दी गई। लेकिन पीएम मोदी का आज ये काफिला देखकर सब हैरान थे। झांकी और परेड देखने आई जनता भी मोदी के काफिले को निहारती रही और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री का काफिला, उसे देखकर दूसरे देश भी मोदी की ताकत को जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार का यह अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसे हम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मना रहे हैं। देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए हम एकजुट होकर आगे बढ़ें, यही कामना है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 74वें गणतंत्र दिवस पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, समस्त देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं व वीर जवानों को नमन करता हूँ जिन्होंने देश को आजाद कराने, मजबूत बनाने व इसकी रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन सभी भारतवासियों के लिए देश की संवैधानिक परंपराओं को मजबूत करने और नए भारत के निर्माण के संकल्प के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करने का अवसर है। भारत के सभी संविधान निर्माताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बधाई दी है। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा, सभी देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रगतिशील व परिपक्व होता हमारा लोकतंत्र भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में कर्तव्य, अवसर व समानता की भावना का सृजन करें। हमारी एकता, अखंडता व संप्रभुता के लिए समर्पित सभी महान विभूतियों को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।